कोरोना महामारी के कारण बंद स्कूलों को लेकर अब प्राइवेट एसोसिएशन ने जो है चेतावनी जारी कर दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर स्कूल नहीं खुले तो होगा आंदोलन। कोरोना महामारी को लेकर बिहार सरकार की तरफ से स्कूल बंद करने का ऐलान किया गया है। ऐसे में अब प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने आंदोलन की चेतावनी दे दी है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन की तरह ही बिहार में शिक्षक आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है। स्कूल बंद को लेकर बोलते हुए प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद समायल अहमद ने यह बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि बिहार के सभी जिलों के मुख्यालय पर आंदोलन की तैयारी चल रही है। एसोसिएशन हर स्तर पर लड़ाई लड़ने को तैयार है। बता दें कि कोरोना के खतरे को देखते हुए बिहार सरकार ने 5 फरवरी तक स्कूल कॉलेज को बंद करने का फैसला किया है। इस समय क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में सरकार ने यह नया आदेश सामने आया था। उसके बाद अब एक बार फिर से यह जो टेन्योर है जिसमें कि 5 फरवरी को यह खत्म हो जाएगा, उस समय क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में सरकार का नया आदेश सामने आने के बाद इस तरह का फैसला लिया गया था। अब एक बार फिर से क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक होनी है, इसकी तैयारी में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन आंदोलन की तैयारी में है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि अगर 6 फरवरी से स्कूल कॉलेज नहीं खोला गया तो एसोसिएशन आंदोलन पर आने का फैसला लेगी। बिहार के सभी जिलों में आंदोलन की तैयारी चल रही है। यह भी कहा गया है कि एसोसिएशन हर स्तर पर लड़ाई लड़ने को तैयार है। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद समायल अहमद ने सवाल खड़ा करते हुए कई सवाल पूछे। पहला, निजी विद्यार्थियों को पुनः संचालित करने में देरी क्यों हो रही है? दूसरा, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? तीसरा, क्या शिक्षकों को रोजगार के लिए पलायन कराने का उद्देश्य है? और चौथा जो सवाल था उसमें कहा गया कि निजी विद्यालयों के परिसर में बिहार बोर्ड की परीक्षा आयोजित कराने से कोरोना नहीं होगा और कक्षा के संचालन से कोरोना हो जाएगा। एसोसिएशन ने साफ तौर पर कहा कि बिहार सरकार की मंशा क्या है, क्या बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? बिहार बोर्ड द्वारा सभी सरकारी स्कूलों में प्रैक्टिकल परीक्षाएं भौतिक तौर पर कराई जा रही हैं। सभी प्राइवेट स्कूलों में बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए केंद्र बनाए जा रहे हैं। इसके लिए किसी भी प्राइवेट स्कूल को किसी तरह का भुगतान नहीं किया जा रहा है। कोरोना की आड़ में सभी प्राइवेट स्कूल के संचालकों ने परीक्षा केंद्र उनके स्कूल में बनाया जा रहा है। सैयद समायल अहमद ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहां ओमिक्रॉन का खतरा सबसे अधिक है वहां स्कूल खोले जा चुके हैं, लेकिन बिहार में अब तक स्कूलों को खोला नहीं गया है। सरकार के इस रवैये को देख निजी विद्यालयों के संचालन शिक्षक शिक्षिकाएं एवं कर्मचारियों के राज्यव्यापी आंदोलन करने का मन बना लिया है। तो एक तरह से कह लें कि जिस तरह से ओमिक्रॉन को लेकर बिहार सरकार ने स्कूलों को बंद किया था, अब जो है प्राइवेट स्कूल जो है सरकार के खिलाफ आने की मूड में है और उन्होंने साफ तौर पर ऐलान किया है कि अगर जो है 6 फरवरी से स्कूल नहीं खोले गए तो वो जो है सड़कों पर होंगे और एक बड़ा आंदोलन करेंगे। उन्होंने सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए जिसमें उन्होंने कहा कि आप बिहार बोर्ड की परीक्षाएँ ले रहे हैं, आप जो है प्रैक्टिकल की परीक्षाएँ ले रहे हैं, लड़के लड़कियाँ स्कूल में पहुँच रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं हो रहा है, आप हमारे स्कूल खोलने क्यों नहीं दे रहे? इस तरह के कई सवाल हैं जो कि स्कूल वेलफेयर की तरफ से उठाए गए हैं। ऐसे में अब देखना है कि 6 फरवरी का जो आदेश कोरोना गाइडलाइन को लेकर जो सामने आएगा उसमें क्या कुछ होता है और प्राइवेट स्कूलों को लेकर क्या रणनीति बिहार सरकार बनाती है। बिहार और बिहार से जुड़े हुए और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।